हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी दोस्तों का फाउंडेशन बैच के कोर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, टीम के द्वारा यूपीपीसीएस 2021 को केंद्रित करते हुए एक नया बैच डाला गया है, जिसमें हम आपको सबसे बेसिक स्तर पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। यह बैच बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे आपके सिलेबस को कवर करते हुए, जिसमें पठन पाठन आपका चलता ही रहेगा, साथ ही लेखन की भी प्रक्रिया इसमें जोड़ी गई है, ताकि मुख्य परीक्षा में जब आप जाएं तो आपको यह ऐसा कहीं भी ना प्रतीत हो कि हमने जो तैयारी की है वह हमारा प्रीलिम्स का बेस रहा है। इसीलिए दोनों बातों को की टीम ने जो है दिमाग में रखते हुए पूरा का पूरा एक नए तरीके से आपके सामने पेश किया है। पूरी की पूरी सीरीज है, जिसमें हम विधिवत तरीके से आपके फाउंडेशन को मजबूत करने पर कार्य करेंगे। आप सभी को मालूम है, इससे पहले यह बैच आपका 2021 को संदर्भित है। जो भी मित्रगण, जो भी छात्र आपके इस क्षेत्र में पहली बार आए हैं, जिन्हें यह सारी चीजें नहीं लग रही है कि हम कैसे आखिर यूपीपीसीएस की तैयारी करें, यूपीपीसीएस में जो मुख्य परीक्षा होती है वहां लेखन के लिए हमारे पास क्या सामग्री हो, सबसे पहले जानते हैं। किसी भी बच्चे के दिमाग में जैसे ही यूपीपीसीएस जैसी परीक्षा, यूपीएससी जैसी परीक्षा का ख्वाब आता है, वह सबसे पहले अपना पैर क्यों पीछे छोड़ता है? क्योंकि उसके पास मुख्य परीक्षा के लिए कोई भी चीज नहीं होती है। अब सारे पेपर आपके रिटेन होते हैं, तो वहां से बच्चा तुरंत ही अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर होता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि हम किन सीनियर से गाइड लें, किन किताबों को पढ़ें। इन सारे आपके सवालों का जवाब टीम परीक्षा प्लस लेकर आई है, एक बैच के माध्यम से, जो नियमित रूप से आपको दिन ब दिन लगातार ऐसे प्रयासों के माध्यम से आपकी नींव को मजबूत करता रहेगा, और भविष्य में आप एक अधिकारी के तौर पर हमसे जरूर मिलेंगे, यह टीम आप सभी से वादा करती है, और टीम इसी बात पर पूरी तरीके से केंद्रित भी है। बात रही इस बैच के आने के पीछे, तो इस बैच के पीछे यही रहा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हमसे जुड़े हैं जिन्होंने लगातार यह टीम से मांग की कि सर हमारे लिए कोई फाउंडेशन कोर्स लाइए, ताकि हम जो है अपनी बेसिक को बहुत अच्छी समझ के साथ ऐसे विकसित कर ले जाएं जो इसका जो विकास हो वह भले ही बहुत धीमी धीमी तरीके से हो, लेकिन जब वह पूर्ण रूप से विकसित होकर आए तो हमें कहीं भी पीछे मुड़ के ना देखना रहे। टीम ने इन सारे आपके जितनी भी जिज्ञासाएं थी इनका समाधान करते हुए एक ऐसे बैच की नींव डाली जो आपके अंदर एक अधिकारी बनने की सारी कलाओं को महारत करने के लिए, ठीक है, उन सभी में एक ऐसा प्रयास करेगी जिसका मिला जुला प्रयास आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभदायक साबित होगा। इन्हीं के क्रम में देखा जाए तो इससे पहले भी आप लोग जो है सारी चीजों के बारे में जानते भी हैं, टीम पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच चला रही है, इससे संबंधित आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ऑफिशियल नंबर परीक्षा प्लस से जो है कांटेक्ट करिए, और उसके अलावा आप हमारे ऐप परीक्षा प्लस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, परीक्षा प्लस पर भी, तो उस माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो बंधुगण इसमें जो है एडमिशन लेना चाहते हैं वो अभी भी हमसे जुड़ सकते हैं पूरी तरीके से। फाउंडेशन बैच में आपका पहले तो वो एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे, तो आज सबसे पहला बिंदु आपसे एनसीईआरटी पर बात होगी कि एनसीईआरटी की उपयोगिता आखिर जिस किसी सी सीनियर से पूछते हो वो यही कहता है कि 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ो। अब आप जब किताब खोलते तो आपको समझ में नहीं आता ये 6 से 12 में क्या ऐसा लिख दिया कि हमें 6 से 12 ही पढ़ने की हर कोई सलाह देता है। किसी YouTube वाले से मिलते हो, किसी टीचर से मिलते हो, हर शिक्षक, हर कोई आपका बड़ा भाई, हर कोई मार्गदर्शक सिर्फ आपको एक सलाह देता है कि एनसीईआरटी पढ़ डालो। अब एनसीईआरटी आप खोल के बैठोगे तो आप जिस विषय के बारे में मैं बात करने आया हूं, यहां तो आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी खोलिए, सबसे पहला चैप्टर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम यहां पर राजनीति पढ़ने आए हैं, कि हम यहां पर भूगोल पढ़ने आए हैं, कि हम इकोलॉजी पढ़ने आए हैं, ये क्या चीजें आखिर हैं। क्योंकि सबसे पहला बिंदु कक्षा 6 जब आपका प्रारंभ होता है उसमें सिविक्स से चलती है, ठीक है, और उसमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ नाम से सबसे पहली किताब है, उसी पर आज मैं आपके सामने गहन चर्चा करूंगा। और सबसे पहले जो आपकी कक्षा 6 की सबसे पहला चैप्टर है विविधता, डायवर्सिटी, उसी पर पूरी चीजें हमें आज आपसे चर्चा करनी है। विविधता होती की है, बात होती है एनसीईआरटी की उपयोगिता। तो देखिए, इससे पहले आशीष सर ने आपको इतिहास पढ़ाया, इतिहास के बाद आलोक सर ने आपको भूगोल पढ़ाया,
और उसके बाद मैं आपके सामने एक तरीके से राजनीति शास्त्र या राजनीति पढ़ाने आया हूं, जिसको हम भारतीय संविधान भी बोलते हैं। इसमें गवर्नेंस के भी सारी चीजें और सब कुछ इंक्लूड होगा। मुख्य परीक्षा में पेपर द्वितीय जो आपका होता है, ठीक है, सेकंड पेपर होता है, उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। वहां पर हमें इन सारी चीजों को लिखना होता है। तो इसी के संदर्भ में देखो, जब आप इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हो तो इतिहास में पता चलता है मानव कहां से आया, कहां पर बसा, कैसे कैसे उसने शासन किया। जब मानव कहीं पर आकर बस जाता है, और बसता तब है जब वहां का भूगोल अच्छा हो, उस भूगोल के अनुसार जब परिस्थितियां सारी मानव के अनुरूप होंगी तो मानव वहां बसना प्रारंभ करता है। आप सबसे पहले वाले काल में देखिए, जहां सिर्फ मानव बसा और मानव संयुक्त परिवार को सारी चीजें किया, उसने क्या किया, जो कृषि होती थी कृषि की जगह पर वो पशुपालन शुरू किया। पशुपालन किया तो मानव में आपको राजनीति के दर्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मानव धीरे धीरे और विकसित होकर होता गया तो जहां मानव के पास धन आना शुरू हो गया वहां राजनीति जन्म ले लेती है। इस बात को आप सारे लोग जानते हैं। यह तथा कथित उक्ति है कि जहां धन आया व्यक्ति के पास, वहां राजनीति उसकी बढ़ जाती है। तो जहां से मानव की अर्थव्यवस्था संभलती है, वहीं से मानव के साथ जुड़ जाता है राजनीति शास्त्र। तो सबसे पहले इतिहास जानते हैं, फिर भूगोल पढ़ते हैं, फिर राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था का भी नंबर आता, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं है तब तक हम राजनीति में सक्सेस नहीं हो सकते। इस बात को आप लोग भी जानते हैं। तो सबसे पहले जब आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे तो मानव के जब विकास की सारी चीजें क्या रहती हैं, पशुपालन रहती हैं, तो कर संग्रह ये सारी चीजें आप नहीं पढ़ने को पाएंगे। लेकिन जब मानवों में धन होता है तो कर संग्रह नामक व्यवस्था आती है, और जब कर की संग्रह होती तो राजनीति का आना जो है निश्चित है, क्योंकि कर संग्रह के लिए अधिकारी होना चाहिए, राजा होने चाहिए, सैनिक होने चाहिए, राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो जहां मानव आर्थिक गतिविधि में जो है प्रारंभ होता है, अपने आप को उस क्रियाकलाप में ढालता है, वहीं से मानव के पास क्या जन्म लेती है, राजनीति। और उसी राजनीति के बारे में आज मैं आपसे विधिवत चर्चा करूंगा। एनसीईआरटी आपको क्या देती है, क्या मिलता है, ये जब मैं चैप्टर अभी आपको पढ़ाने शुरू करूंगा तो वहां पर आप पाएंगे कि नहीं, एनसीईआरटी ही वह कुछ देती है जो आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं या किसी अदर स्टेट, जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सारे स्टेट में जो जीएस के मुख्य आपके पेपर होते हैं, उन सारे पेपर के लिए एनसीईआरटी ही बेस आपकी कवर करती है। उसी को हम लोग बहुत विधिवत पढ़ेंगे। तो शुरुआत के कुछ महीनों में मैं आपको एनसीईआरटी संबंधित पढ़ाऊंगा। सारे इस समय जितनी फैकल्टी हैं आपको एनसीईआरटी पर ही काम करें। बाकी जो आपके कुछ महीनों के बाद हम आपको अभी जैसे जो चैप्टर पढ़ाते हैं उस चैप्टर में जो उससे प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपको जो है करने के लिए बोला जाता है। जो बच्चे लिखते हैं उनको बताया जाता है कि क्या कमियां हैं, अभी इसमें क्या चीजें और अच्छी हो सकती हैं, ताकि आप मुख्य परीक्षा के साथ साथ सारी चीजों को अपने आप में सहजते चलो। जैसे अभी एक बहुत सामान्य सा उदाहरण बताऊं, हम लोग जो है हिंदी माध्यम में, हमारा जन्म हुआ हिंदी माध्यम में, पढ़ाई हुई, और हिंदी माध्यम में अभी बोला जाए कि 2000 शब्द लिख दो तो आपके पास शब्द नहीं होंगे, वही घुमा घुमा के लिखते। तो जब आप किताबें पढ़ना प्रारंभ करते हो तो आपके पास शब्दों का भंडार बढ़ना शुरू होता है, और यही शब्द जब हम प्रयोग कर लेते हैं अपनी भाषा में तो वह दूसरे सुन के हमारी तरफ आकर्षित हो जाते और वह समझते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो खास है। वही चीज एनसीईआरटी देती है कि हम अपने जो लिखने की शैली है इसको कितना और ज्यादा रचनात्मक बनाएं, इनमें कौन कौन सी चीजें और हम नाप तोल लाएं, इसकी शैली को कैसे रखें कि गागर में सागर भर दें, और वहां से एग्जामिनर जो परीक्षक हमारी कॉपी को देख रहा वो उत्तर पुस्तिका को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए और हमें सारे मार्क्स देता चला जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 6 के सबसे पहले आपके, ठीक है, ये सबसे पहला आपका शुरू होता है जहां पर कक्षा 6 में, तो एक तरीके से इसको नागरिक शास्त्र ही बोलते हैं। ये है आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन। जब समाज में मानव आया, समाज में अर्थव्यवस्था जन्म लेती है मानव के, तो जहां से अर्थ आना शुरू हुआ वहीं से मानव में राजनीति शुरू हो गई। जब पशुपालक की जो है भूमिका में मानव था तो पशुपालक के तौर पर मानव के पास कोई ऐसे अधिकारी की जरूरत नहीं थी कि वह उससे टैक्स ले, लेकिन जहां से मानव के पास ऐसी चीजें आनी प्रारंभ हो जाती हैं कि जिसका वो कर अदा करे तो कर को इकट्ठा करने के लिए अधिकारी होने लगे, उन अधिकारियों पर लगाम देने के लिए कोई मुखिया बनाया जाने लगा, जो कर ना अदा करे उनको दंड देने का कार्य मुखिया का किया गया, जो अन्य व्यक्ति होते थे जिन्हें सजा देनी है उनके लिए जेलखाने बनाए गए, उनके लिए सैनिक बनाए गए, सैनिक पकड़ कर लाते रहे। तो आप इस पूरे लॉजिक को समझिए कि राजनीति का जन्म तब होता है जब व्यक्ति के पास धन होता है। आज भी समाज में उदाहरण देख लो, इस समय ग्राम प्रधान का इलेक्शन आने वाला है,
ठीक है, जितने आपके गांव के हैं, बीडीसी हो गए, प्रधान हो गए, ये सारे लोग सबके सब इस समय जिनके पास थोड़ा सा पैसा है वो इस समय प्रधान जी बने घूम रहे हैं। ये भी क्या है, जिनके पास पैसा है वो प्रधान जी बने हैं, गांव दो चार मित्र हित मित्र उन्हें चढ़ा रखे हैं, अरे प्रधान जी तुम ही जीतोगे, भले ही वो वोट ना दे, वो व्यक्ति भले ही अपना ही वोट पाए, उसके घर वाले वोट ना दें, लेकिन उसके पास जब तक पैसा है, जब तक आपके पास पैसा होता है, तब तक आपको भी बड़े अच्छे खासे दोस्त मिलते हैं, हथियार मिलते हैं। ठीक है, तो राजनीति एक ऐसी चीज है जिसका जन्म होता है मानव के उस क्रियाकलाप से, जब मानव के पास अर्थ का आना कोई ना कोई रास्ता तय हो जाता है। आज इसी राजनीति को समझते हैं। सबसे पहले 6 से 8 तक हम नागरिक शास्त्र के तौर पर इसको पढ़ते थे, तो आज इसमें सबसे पहली चीज आती है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसी में सबसे पहला जो आपका चैप्टर शुरू होता है वह चैप्टर क्या होता है, यह है आपके डाइवर्सिटी का। सबसे पहला चैप्टर आपका है डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी यानी विविधता। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो आपका चैप्टर किस हिसाब से होना चाहिए, ये तो भूगोल का बिंदु होना चाहिए, फिर इसको आखिर राजनीति में पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, नागरिक शास्त्र में पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। यह एक आपका ऐसा बिंदु है विविधता, जिससे मुख्य परीक्षा हो या एसे राइटिंग हो, हर जगहों पर आपको यह क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो इस चैप्टर की, इस आपके अध्याय की बहुत बड़ी उपयोगिता है। अगर अभी आगे जब मैं आपको समझाना शुरू करूंगा, यहां पर मैंने पूरी किताब नहीं लगाई है, लेकिन उस किताब में जितना कुछ दिया है और आपकी सोच कहां तक जानी चाहिए, मैंने दोनों बिंदुओं को शामिल किया है कि ऐसा बच्चा जो पहली बार इस किताब को पढ़ रहा है, अब आप लोग पढ़ के छोड़ाए हो, लेकिन वो जिस नजरिए से हम पढ़ेंगे उसमें आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसा इसमें हम सारी चीजों को समाहित करके लाए हैं आपके सामने कि आपको एकदम शॉर्ट टर्म भी मिल जाएगा और आपको समझने के लिए इतने बिंदु मिल जाएंगे कि आपको जब लिखना हो, सोचना हो, समझना हो, तो आपकी शैली में इतना परिवर्तन दे जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो मिला है। तो इसी पर अब हम परिचर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बिंदु को शुरू करते हैं जो है डाइवर्सिटी। बात यह होती है कि विविधता आखिर आती कैसे है, तो इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास में आप देखते हैं कि मानव कहीं से चला, कहीं आकर बस गया, उस मानव की बहुत सारी जो है शाखाएं हुई, जैसे हमारे पटीदार होते हैं गांव में, कोई पटीदार कहीं बस गया, कोई कहीं बस गया, कोई कहीं बस गया, तो एक ही परिवार के बहुत सारी शाखाएं टूटती चली गई और वह आगे बस्ती चली जाती हैं। तो विविधता एक तो इससे भी उत्पन्न होती है, दूसरी अपने यहां विविधता भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखेंगे और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो विविधता उत्पन्न होने के पीछे धर्म बहुत बड़ा कारण है, धार्मिक कारण होते हैं। अपने यहां देखा जाए विश्व में बहुत सारे धर्म है, भारत में धर्म की बात करेंगे अभी, इन सारे बिंदुओं पर बहुत ही गहनता से मैं चर्चा करूंगा। अब भाषा की वजह से विविधता उत्पन्न होती है, भारत में तो पता नहीं कितने भाषाई परिवार हैं, संसार में पता नहीं कितने तरीके के भाषाई परिवार हैं। भोजन से विविधता उत्पन्न होती है और पहनावे से विविधता उत्पन्न होती है, ये चार आपके मुख्य कारक होते हैं जिसकी वजह से विविधता का जन्म होता है, डाइवर्सिटी का जन्म होता है। अब एक एक बिंदु को उठाते हैं और एक एक बिंदु का परिपेक्ष भौतिक और जो है वैश्विक और भारत के नजरिए, दोनों नजरिए से उल्लेख करते हैं और यहां पर चर्चा करते हैं कि आखिर पहला जो हमने यहां बिंदु लिया कि धर्म की वजह से विविधता उत्पन्न होती है, तो धर्म की वजह से विविधता को कैसे जोड़ेंगे, भोजन की भाषा की वजह से विविधता उत्पन्न होती है तो इसको कैसे किस परिपेक्ष में देखेंगे, भोजन की वजह से विविधता है तो इसमें किस परिपेक्ष से देखेंगे, और पहनावे की वजह से विविधता है तो इसके कौन कौन से आयाम होते हैं, इन चारे आयामों को अब हम कवर करते हैं। सारी चीजों को कोरिलेट करना, विविधता ये एक आपका ऐसा शब्द है, जब आप पढ़ते हो क्या, जब आप पढ़ते हो अपना सबसे पहली चीज पढ़ते हो कि हम शुरू करते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से रिलेट करना शुरू कर दो। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो प्रीएम्बल में क्या बात आती है, प्रीएम्बल में बात आती है धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता की। तो पंथ निरपेक्षता क्यों है, क्योंकि हमारे यहां डाइवर्सिटी है। हम बात करते हैं 14 से 18 की, आर्टिकल 14 टू 18 फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। राइट टू इक्वलिटी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अपने यहां डाइवर्सिटी है। हम बात करते हैं किस में, हम बात करते हैं 51A में, 51A में ई पार्ट आपका जोड़ा गया, वो किस लिए है, क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी है। इंडिया के परिपेक्ष में देखिए तो आपको यहां प्रीएम्बल में मिलेगा, आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा, आप जब पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटी तो वहां पर मिलेगा, यहीं से कोरिलेट आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से।
विविधता भारत के लिए लाभदायक कैसे है, भारत के लिए हानिकारक कैसे है, दोनों मुद्दों पर आपसे विचार विमर्श भी होता है। इस पर इंटरव्यू में भी सवाल बन सकते हैं। यह एक ऐसा बिंदु है जो अपने आप में इतना गहन है ना, इतना गहन है कि इस पर आप बोलते चले जाओ आपको सारी चीजें कम ही लगती चली जाएंगी। इसका परिपेक्ष जिस भी संबद्ध में उठा लो वो संबद्ध ही आपका बहुत विशाल बनता चला जाएगा। यानी यहां से तो मैंने सिर्फ आपको राजनीति से जोड़ा है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको विविधता की वजह से परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, हम एक दूसरे के विश्वास की बात करते हैं, हम यही तो बात करते हैं कि एक दूसरे के विश्वास धर्म उपासना। अब विश्वास धर्म उपासना क्यों लिया गया, क्योंकि भारत में विविधता है, हर एक व्यक्ति की विश्वास दूसरे में है, हर सभी के धर्म का दूसरा दूसरा है, सभी की उपासना का तरीका दूसरा है। तो इसीलिए इंडियन जो प्रीएम्बल है, भारतीय आपकी संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में हमने विविधता को देखते हुए सारी चीजों को शामिल किया है। तो यहां से आप पूरे भारतीय संविधान से विविधता को जोड़िए तो भारतीय संविधान में विविधता आपकी बहुत सारे बिंदुओं से बनती है। इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब भी लिख दी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक किताब देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। इस पर निबंध भी आ जाता है कभी कभार लिखने को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं, विविधता को और अच्छे से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि विविधता को एक जो है वाक्य में परिभाषित करिए, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका बनता है कि लोगों के बीच धर्म, भाषा, खानपान आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को विविधता कहते हैं। विविधता डाइवर्सिटी की परिभाषा सबसे आसान तरीके से दी जाए तो सबसे आसान तरीके से विविधता की परिभाषा यह बनेगी कि लोगों के बीच में जो धर्म को लेकर के है, जो उनके भाषा को लेकर के है, खान पान को लेकर के है, इन सारी वजहों से जो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वह भिन्नता ही विविधता कहलाती है। ठीक है, तो ये एक वाक्य में अगर हम विविधता को, डाइवर्सिटी को परिभाषित करते हैं तो सबसे रोचक परिभाषा हमें यह मिलती है। अब इसमें बहुत सारे बिंदु को शामिल किया है, धर्म को, भाषा को, खान पान को, पहनावे को। अब इन सारी चीजों पर हम व्यापक तरीके से चर्चा करते हैं क्योंकि अब की किताब में यही लिखा है, जो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं मैं उन्हीं को लेकर चल रहा हूं। धर्म की बात करें तो विश्व में लगभग बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन विश्व के 8 जो प्रमुख धर्म हैं, विश्व के जो 8 प्रमुख धर्म हैं, इन 8 प्रमुख धर्मों में से भारत में सभी धर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से? हिंदू धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, बौद्ध हो गए, फिर उसके बाद आपके सिख हो गए, जैन हो गए, ये आपके 6 हैं। 2 धर्म और आपके बसते हैं। भारत में आपको 8 धर्म का प्रभुत्व खूब मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां कुछ के धर्म, अब धर्म क्या विविधता उत्पन्न करते हैं इस बात पर जरा एक नजर डालो। धर्म है तो धर्म में हमारे विश्वास, हमारी उपासना, इन सभी में विविधता मिलेगी। हमारे ग्रंथों में, ठीक है, हमारे शास्त्रों में सभी की अलग अलग मानक पुस्तकें हैं और सभी धर्म को लेकर के अलग अलग बातें बोलते हैं। इन्हीं बातों को हमें समझना होता है। समझ गए सारी चीजों को? तो धर्म की वजह से, इसी वजह से विविधता उत्पन्न होती है। भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्म यहां पर बहुत अच्छी तरीके से पाए जाते हैं। उनमें 6 की महानता आप सारे लोग जानते हैं, 6 के विषय में आप सारे लोग पढ़े, इसीलिए मैंने यहां 6 को जिक्र किया है। लेकिन जितने भी विश्व में मुख्य रूप से 8 धर्म है, उन 8 धर्मों के लोग भारत में पाए जाते, तो धर्म की वजह से यहां विविधता उत्पन्न होती, क्योंकि धर्म हमें हमारे विश्वास को, ठीक है, हमारी उपासना को, हमारे जो अन्य क्रियाकलाप होते हैं, इन सभी को प्रभावित करता है। इसलिए भारत में विविधता उत्पन्न करने में धर्म भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आगे बात करते हैं दूसरे बिंदु की ओर, खान पान कैसे। खान पान देखा जाए तो पूरे विश्व में देखा जाए तो 2 तरीके के व्यक्ति पाए जाते हैं खान पान में। पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मांसाहार करते हैं, इनको मांसाहारी बोलते हैं, और दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शाकाहार करते हैं, इनको शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, लोगों के खान पान में भी विविधता आपको देखने को मिलती है। कोई सिर्फ मांस का सेवन कर रहा है, कोई साग का सेवन कर रहा है, बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दोनों का मिला जुला सेवन करते हैं। ठीक है, तो धर्म वजह की वजह से भी क्या होती है, विविधता उत्पन्न होती है, क्योंकि भैया जो लोग मांसाहारी होंगे वो सिर्फ मांसाहार को प्रेफर करेंगे, जो लोग शाकाहारी होंगे तो शाकाहार को, यानी भोजन भी हमारे विविधता में योगदान देता है। एक बात यहां से भी समझ में आ गई। तीसरी चीज, तीसरे बिंदु के बारे में बात करें, भाषा। भाषा की बात करें तो अपने भारत में देख लो, जम्मू कश्मीर से शुरू करिए और नीचे कन्याकुमारी तक चलते रहिए, भाषाओं का तो अंबार लगा है। विश्व में लगभग जितनी भाषाएं हैं, भारत में तो हर एक, किसी व्यक्ति ने, बहुत मशहूर व्यक्ति ने कहा है कि भारत तो देशों का ही देश है। इतने सारे देश भारत में देखने
को मिलते हैं कि आप चार चार, एक युक्ति हमारे यहां कही जाती है वो क्या है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। ठीक है, आप लगभग 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के बीच में जैसे ही कवर करते हैं, ठीक है, या मान लीजिए एक जिले से दूसरे जिले में ट्रेवल करते हैं तो आपको भाषा में परिवर्तन मिलने लगता है, तुरंत भाषा में बदलाव आ जाता। भारत में तो भाषाई आधार पर बहुत सारे बटे हैं, यहां तो अपने यहां राज्यों का भी गठन हुआ है भाषाई आधार पर। अपने यहाँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं, तो भाषा की वजह से भी विविधता होती है। और भारतीय राजनीति में भाषा की वजह से सबसे पहले क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का भी गठन हुआ था, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। अलग अलग भाषाएं यहाँ के लोग बोलते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग लोगों के उच्चारण अलग अलग किस्म के भी होते हैं। मैंने बताया ऐसा नहीं है कि अवधी बोलने वाले लोग हैं तो अवधी बोलने वाले लोग हर जगह के लोग एक ही अवधी बोलेंगे, नहीं, उनका उच्चारण जो होगा वह उच्चारण में कहीं ना कहीं बदलाव मिलेगा आपको। ये चीजें भाषाई आधार पर विविधता उत्पन्न होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में ही हम चार रीजन बांट लेते हैं, चारों में आपको हर एक चीजें अलग मिलती हैं। उन चार रीजन के अंदर आप जाओगे तो आपको लगेगा कि हर एक रीजन को बांटना चाहिए क्योंकि हर जगह पर सारी चीजें अलग अलग मिल रही, तो ये चीजें मिलती हैं। उत्तर भारत में भी अलग अलग अधिकतर राज्यों के लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की हिंदी मध्य प्रदेश की लोगों की हिंदी से अलग होती है। वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो लोग हिंदी बोलेंगे वह हिंदी दूसरी होगी और उत्तर प्रदेश में जो लोग हिंदी बोलते हैं यह हिंदी दूसरी होती है। ये हिंदी बेल्ट वाले क्षेत्र हैं तो हिंदी में ही इतना, ऐसे ही आपको अलग अलग जितनी भाषाएं देखने को मिलती हैं तो विविधता में भाषा का भी योगदान होता है, यह स्पष्ट हो गया। ठीक है, यह बातें आपकी स्पष्ट हो गई। तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, पहनावा। पहनावा में दो राज्यों की बात करता हूं अपने यहां, एक तो राज्य आपका लद्दाख है जो एक ठंडा प्रदेश है, ठीक है, अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, और दूसरा राज्य मैं आपके सामने केरल लेकर चलता हूं, ठीक है, जो एक स्वतंत्र राज्य बना हुआ है। ठीक है, केरल राज्य की बात करें तो यह समुद्र तट पर स्थित है भारत में, और अगर लद्दाख की बात करें तो सबसे ऊपर पर्वत की शिखाओं पर स्थित है। यहाँ ठंड की वजह से, ठीक है, यहाँ के लोग हमेशा ठंडी गर्मी क्या है उनके लिए, वो हमेशा जो बर्फ के बीच में रहता है वो कहीं ना कहीं अपने पहनावे को दूसरे तरीके से पहनेगा। आप जैसे जैसे पूरे भारत में विजिट करोगे आपको पहनावे में अंतर मिलेगा। अब यहाँ के लोग गर्म साल कानों पर देख लीजिए, ठीक है, कान ढकने के लिए, मुंह ढकने के लिए, हाथ पैर में अच्छे खासे कि हमें ठंड ना लगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे। केरल समुद्र के तट पर बसा हुआ राज्य है, समुद्र से आने वाली गर्म हवाएं होती हैं तो इस वजह से वहां उमस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर पुरुष वर्ग जो होगा ऊपर सफेद जो है आपको बूसट पहनने को मिलेंगे, ठीक है, शर्ट जिसको हम बोलते हैं, और नीचे ये धोती पहनते, तो धोती अपने यहां जैसे नहीं पहनते हैं, अपने यहां जो धोती पहनी जाती है उत्तर प्रदेश में ये धोती दूसरी तरीके से पहनी जाती है, लेकिन आप केरल में देखो यहां धोती को सिर्फ गोल गोल लपेटा जाता है ताकि एयर जो पास होती रहे, लेकिन अपने यहां देखेंगे आप उत्तर प्रदेश में जो लोग धोती पहनते हैं यहां धोती पहनने का दूसरा तरीका है, वहां पर धोती पहनने का दूसरा तरीका है, तो ये भौगोलिक कारण की वजह से यहां पर क्या मिल रहा, पहनावे में विविधता मिल रही, और इस विविधता की वजह से ये कहीं ना कहीं पहनावा भी विविधता में एक मुख्य कारक है, हमें यह भी समझ में आ गया। और यह मुख्य कारक क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो आपके अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पर पहनावे को लोग लेकर के लोग अपने अनुरूप क्या करते हैं, वस्त्रों का चुनाव करते, और उन वस्त्रों के चुनाव से हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु होता है विविधता के कारण क्या हैं आखिर, तो विविधता के कारण को अगर मैं डिवाइड करूं तो विविधता के दो मुख्य कारण बनते हैं, एक तो आपका बनता है भौगोलिक और दूसरा कारण बनता है ऐतिहासिक। विविधता के दो मुख्य कारण बनते हैं कौन कौन से, एक भौगोलिक आयाम बनता है और दूसरा आयाम बनता है ऐतिहासिक। अब आपके नजरिए में आना चाहिए सबसे पहले, यह बिंदु आपके दिमाग में बननी चाहिए कि आखिर भौगोलिक कौन सी दशाएं होती हैं जो विविधता को जन्म देती हैं, और दूसरा बिंदु यह उठना चाहिए कि ऐतिहासिक ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जिन्होंने विविधता को बढ़ावा दिया। इन दोनों के परिपेक्ष को अब हम बहुत व्यापक स्तर पर समझने वाले हैं, दोनों को बहुत ढंग से समझिए कि ऐतिहासिक कारण क्या रहे और आपके भौगोलिक कारण क्या हुए जिसके वजह से हमें इतनी सारी विविधता को भारत जैसे देश में देखने को मिलता है। तो समझिए इन सारी बातों को। अगर विविधता पर भूगोल का प्रभाव मैं आपसे देखूं कि विविधता पर भूगोल का क्या प्रभाव बनता है, तो मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने मेंशन किया है, समझिए। भूगोल हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है,
ठीक है, भूगोल से यह तय होता है कि हमारी शक्ल कैसी है, हम क्या खाते हैं और हम क्या पहनते हैं। अब आप पहाड़ी इलाकों पर जाओगे तो वहां के लोगों की शक्ल कुछ और मिलेगी, आप मैदानी क्षेत्र में आओगे यहां के लोगों की शक्ल कुछ और मिलेगी, ठीक है। इसी से रंग का भी परिवर्तन मिलता है अधिकतर आपको, और हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या, ये सारी चीजें भी होती है। अब ठंडे प्रदेश वाला गर्म चीजों को खाएगा, ठंडे वाला भी ठंडा तो पिएगा नहीं, उसके यहां वैसे ही इतनी 24 घंटे ठंड होती है, ठीक। और जो गर्म प्रदेश वाले गर्म प्रदेश वाले लोग हैं, वो गर्म प्रदेश वाले लोग कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करेंगे, तो हमारे खाने पीने पर भूगोल का असर पड़ता है भाई। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश जैसे चीज की, यहां पर क्या हुआ, पंडित लोग कहते हैं कि हम भाई पंडित हैं तो हम मछली का सेवन नहीं करेंगे, हम जो है अंडे का सेवन नहीं करेंगे, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। हम सेवन को लेकर के क्यों मना करते हैं, क्योंकि हमारे पास साग उपलब्ध है। अब पश्चिम बंगाल का आदमी ये बोले कि नहीं हम पंडित हैं हम नहीं खाएंगे, तो भैया तुम्हारे यहां सब्जी नहीं है कि सब्जी खा के तुम काम चला लोगे, तुम्हारे यहां तो मछली है और चावल है, तो तुम्हें मछली के साथ चावल खाना पड़ेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर भी, वहां हम बड़े भले ही पंडित हैं लेकिन हमारे पास जो चीजें होंगी तो भूगोल की वजह से ही हमारे खाने पीने का निर्धारण होता है। हम कहां पर हैं, हम उत्तर प्रदेश में, तो हमारे पास साग बहुत ज्यादा उपलब्ध है, तो साग जब उपलब्ध है तो हम मांसाहार को प्रेफरेंस नहीं देते, हम कहते नहीं भाई हम पंडित जी हैं हम जो है यही खाएंगे। क्यों ऐसा बोलते, क्योंकि हमारे पास साग जो है उपलब्ध है, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन सारे लोग खाना शुरू कर देंगे, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन तो सारे लोग खाना शुरू कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो भूगोल का असर हमारे खान पान पर भी पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली चीज, भारत में भौगोलिक विविधता प्रचुर मात्रा में मिलती है, भौगोलिक लक्षणों के कारण होने वाली विविधताओं के कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे जम्मू कश्मीर हिमालय के निकट अगर है तो एक ठंडी जगह है, इसलिए यहाँ के लोग अक्सर गोरे और लंबे होते हैं, ठंडी जलवायु के कारण लोग गर्म कर कपड़े पहनते हैं। अब आपको जो वहां के लोग मिलेंगे वो काफी गोरे मिलेंगे, खूब सुंदर लोग मिलते हैं, लंबे लोग मिलते हैं, और वहां ठंडी जलवायु हमेशा होती है, तो लोग ऐसा तो है नहीं हम लोगों जैसे कि एकदम जो है टी शर्ट पहन के घूम रहे, ऐसा तो नहीं मिलेगा, वहां के लोग गर्म कपड़े पहनेंगे ताकि उनका जीवन चलता रहे। अब दक्षिण भारत की जलवायु गर्म और नम होती है, इसलिए दक्षिण भारत के लोग अक्सर गहरे रंग के और मध्यम लंबाई के होते हैं, बहुत लंबाई नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग अक्सर वेस्टी यानी लुंगी पहनते हैं, यहाँ के लोग चावल खाते और उनके अधिकतर व्यंजनों में नारियल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां नारियल बहुत ज्यादा होता है, तो भूगोल की वजह से हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा। अगली चीज, पश्चिम बंगाल में भी गर्म और नम जलवायु होती, इसलिए यहां पर अगर बात करें पूर्वी भारत के अधिकतर लोगों की त्वचा भूरी या गहरी होती है, यहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल और मछली खाते हैं, तो भूगोल का असर हमारे खाने पर है, हमारे शारीरिक बनावट पर पड़ता है, दोनों चीजों पर भूगोल का असर पड़ता है। इस बात को आप बहुत स्पष्ट रूप से अब समझ गए होंगे, तो भूगोल का विविधता पर क्या असर है और वह विविधता भारत में कैसे प्रभावित करती है, इन तीन मुद्दों को आपस में हमने आपके सामने रिलेट करके रखा। अब हम बात करते हैं विविधता पर इतिहास का क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर इतिहास से विविधता का क्या आशय है, क्या नाता है, कैसे संबद्ध है, इस बात को समझ लीजिए। विविधता पर इतिहास का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, हमारे भोजन में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीजें अलग अलग देशों से आई हैं, ये विविधता ही तो है, हम भोजन में जो कुछ लेते हैं वह बहुत सारे देशों से आई है, ऐसा नहीं है कि भारत में ही वह उत्पन्न हुई हो। आज आप लोग नूडल बहुत चाव से खाते होंगे, सारे लोग दो मिनट में मैगी प्रचार देखते हैं तो और सारी चीजें होती हैं। ये जो नूडल खाते, नूडल चीन से आया लेकिन नूडल के लोकप्रिय होने से सैकड़ों वर्ष पहले से यहाँ सेवियां जो है सेवियां खाई जाती थी, अपने यहाँ सेवई बनती थी, नूडल तो नहीं चलते थे, ये भी नूडल का ही एक रूप है, लेकिन अब नूडल आ गया तो सारे लोग नूडल चाउमीन खाते हैं, ठीक है सेवई है लेकिन सेवियां अब उतना जो है प्रेफरेंस नहीं है, अब ज्यादातर लोग नूडल। अब नूडल कहाँ से आया, ये तो चीन से आया है, लेकिन हम पसंद करते हैं, हम खाते हैं ऐसे। दूसरी चीज, आलू टमाटर लाल मिर्च और कई अन्य सब्जियां अलग अलग देशों से आई हैं, अपने यहां ही सब कुछ नहीं पैदा होता था, ये अन्य देशों से आई हैं और भारत में अब इनका क्या हो रहा, इनका उत्पादन हो रहा और हमारे व्यंजनों में शामिल है। आदिकाल से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते आए हैं और अधिकतर लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे, लेकिन कुछ लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए भी यात्रा करते थे, चारों धाम भैया घूम ले, ठीक है चारों धाम बड़ा पुण्य काम माना जाता, कोई हज के लिए जाता था, कोई यहां जाता था, कोई वहां जाता था, तो ये जो चीजें चलती थी, जो यात्रा करते थे, कुछ लोग व्यापार के लिए जो है यात्राएं करते थे, ऐसे लोग अपने साथ अपना खान पान पोशाक संस्कृति और धर्म को भी ले जाते थे,
जो जहां पर जाएगा, ठीक है, आपके घर के सामने कोई दूर से आया है, मान लीजिए मेला लगा है, तो मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, एक एक महीने टिकते हैं, तो आप उनके पहनावे को देखेंगे, आप उनके खाने पीने के क्रियाकलापों को देखेंगे। मान लीजिए वो लोग यहीं बस गए तो धीरे धीरे उनका जो कल्चर है, वो दो चार परिवार रहने लगे तो उनका त्यौहार होगा वो मनाएंगे, आप उस त्यौहार को देखेंगे समझेंगे, ठीक है। जैसे आजकल मैं एक साधारण सा बताता हूँ, छठ पूजा, छठ पूजा देखते हैं, ठीक है, इधर आने वाला भी है, छठ पूजा आप देखिए, आप देश, भारत देश छोड़ दो, विदेश में भी ये पहुंच चुका है, विदेशों में भी क्या हो रहा, छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी। तो ये भी क्या है, ये पूर्वांचल का आपका पूरा है, बिहार वाला, और लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या चलने लगी, ये हर जगह पूर्वांचल का लिट्टी चोखा, ठीक है, अगर नहीं खाए, अभी लिट्टी चोखा भी बहुत प्रसिद्ध है, हर जगह आपको जो है मिलेगी कि भैया जो है बाटी है, चोखा है। तो ये सारी चीजें, ये व्यंजन क्या होते हैं, ये खानपान, हमारे हमारे पोशाक, ठीक, हमारी संस्कृति, और धर्म भी वहां पर जाता है, उनका जो विश्वास होगा, उनका जो धर्म होगा, वह उनके साथ ही जाता है, ठीक। हम यात्रा कर रहे तो अपने धर्म के हिसाब से, हम हिंदू हैं तो चार धाम की, हम मुस्लिम हैं तो हज की यात्रा करेंगे, अन्य जो धर्म वाले हैं उनके जो जो प्रसिद्ध स्थान है वो वहां पर यात्रा करते। तो जब ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो इतिहास भी संदर्भ देता है कि विविधता पर इतिहास का भी असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, विविधता के लाभ क्या है, आखिर विविधता इतनी ज्यादा पाई जाती भारत में, तो भारत के नजरिए से इसके लाभ क्या मिलते हैं। भाई विविधता है तो हमारे मन में उठता है कि आज उत्तर भारत का खाना खाएंगे, कल दक्षिण भारत का खाएंगे, अब गुजराती खाएंगे, आज राजस्थानी खाएंगे, जम्मू कश्मीर का खाएंगे, तो मन में तो बड़े गुब्बारे छूट रहे, 56 तरीके के जो व्यंजन का आनंद हम लेते हैं जैसा लिखा होता है, तो ये विविधता की वजह से है। विविधता से जीवन में बहुत लाभ है, विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं, हम संस्कृत के विभिन्न पहलुओं को और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे की संस्कृत का हम सम्मान सीखते, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है, इन सारी चीजों को विविधता से ही बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इन चीजों को इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ही व्यापक तौर पर पाई जाती है, तो हमें एक दूसरे के समझने में, सीखने में, उनके धर्म को क्या करने में, सम्मान देने में, अपने धर्म को क्या सम्मान पाने में, इन सारी चीजों में विविधता बड़ा ही जो है अहम योगदान देती है। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं कि भैया इस नजरिए से ये बात कैसे होगी, इस नजरिए से ये बात कैसे होगी, इस समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, कोई भी निर्णय लेना होता है तो वहां विविधता को देखकर चलते हैं। अगली बात, यदि विविधता नहीं होती तो जीवन उबाऊ हो जाता, जाहिर सी बात है। अब आप अभी सुन रहे हैं, उत्तर भारत के ही सारे गीत सुनते रहिए, गीत सुनते रहिए, फिर आपको पंजाबी सुनने को बड़ा आनंद आ गया, फिर ये आनंद आ गया, आज पंजाबी खाना खाएंगे, आज उत्तर भारत, आज दक्षिण भारत इडली जो है सांभर, आज ये होगा, आज ये होगा, आज पराठे होगा, आज तंदूरी होगा, आज ये खाएंगे, तो ये सब की वजह से ही जीवन तो अपना क्या है, एक रस भरा जीवन जीते हैं और आनंद में जीते हैं। आज जो है यहाँ पर घूमने चलते हैं, कल ऊटी चलते हैं, परसों जम्मू कश्मीर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, तो ये विविधता के बहुत सारे लाभ होते हैं। विविधता हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डालती है और इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, ठीक है। तो विविधता के आयाम को अब आप लोग समझ चुके होंगे, इसी के परिपेक्ष में विविधता में और ढंग से समझाता हूं। एक मैं आपके सामने उठा रहा हूं लद्दाख, नया नवेला अपना क्षेत्र, ठीक है, लद्दाख को उठा रहा हूं, और दूसरा क्षेत्र मैं आपके सामने उठा रहा हूं केरल, केरल को। केरल आपका समुद्र तट से लगा हुआ राज्य है और लद्दाख जो है यह पूर्ण रूप से किस पर है, पूर्ण रूप से बर्फ से घिरा हुआ प्रदेश है। इन दोनों प्रदेशों की आप विविधता को बहुत ढंग से समझते हैं, यहां और भी आनंद आएगा, आपका जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण और भी अच्छे से यहां पर क्लियर होगा। लद्दाख को सबसे पहले क्षेत्र को उठाते हैं, लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख भैया ठंडा मरुस्थल है जो कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है, यहां पर साल के अधिकांश दिनों में बर्फ छाई रहती, इसीलिए यहां नाम मात्र की खेती होती। जब हमेशा बर्फ से ढका क्षेत्र होगा तो खेती हम क्या कर लेंगे, यहां खेती नाम मात्र की पाई जाती है। लोगों का मुख्य पेशा क्या है, भेड़ बकरियां और याक पालन, ये तीनों के तीनों इसलिए पाले जाते हैं क्योंकि याक से तो वहां दूध भी मिलेगा, बकरियों से दूध मिलेगा, भेड़ से दूध मिलेगा, और साथ ही साथ इनके पास विशेष ऊन होता है, उस ऊन से इनका जीवन यापन भी चलता है, उस ऊन को ये बाजार में बेचते हैं, उससे साल बनाए जाते हैं और वो साल फिर अच्छे खासे दाम पर आपके यहाँ भी आते हैं। ठंडक शुरुआत होने वाली है तो कश्मीरी साल वाले आ जाते हैं, भैया कश्मीरी साल ले लो, ठीक है, पश्मीना साल ले लो,
ये साल ले लो, वो साल ले लो, तो ये सब सब कहां से है? वहां से है। इन जानवरों के दूध और मांस से ये लोग अपना काम चलाते, इन जानवरों के बालों से ये लोग ऊन बनाते और बेचते। लद्दाख के लोग पश्मीना साल बनाते हैं। पश्मीना साल कहां बनता? लद्दाख में बनता है, और उन्हें कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल से ही जो लद्दाख अपना क्षेत्र है यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है। ठीक है, लद्दाख एक ऐसे सेंटर पर पड़ता था जहां से व्यापारी होकर गुजरते थे, इसीलिए दुनिया के अलग अलग कोनों से यात्री यहां आते रहे हैं। अब यहां पर असर समझो, यहां पर विविधता समझना है कि लद्दाख में जब व्यापारी आते थे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से, तो वो व्यापारी यहां आए तो यहां पर क्या परिवर्तन, यहां पर क्या विविधता उत्पन्न हुई, इस बात को समझिए। जब उन व्यापारियों का लद्दाख के लोगों से संपर्क हुआ, इसलिए इस क्षेत्र में आपको इस्लाम धर्म सैकड़ों साल पहले आ गया था। भारत में राज करने से पहले इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म बहुत पहले पहुंच चुका था लद्दाख में। आज भी इस क्षेत्र में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भी अच्छी खासी संख्या, यहां बौद्ध भी मिलेंगे और मुस्लिम भी मिलेंगे, दोनों लोग मिलते हैं। ठीक है, अब केरल की बात करते। केरल भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक है, सबसे जो है निचले छोर पर स्थित है। प्राचीन काल से ही केरल व्यापार का बहुत प्रमुख केंद्र रहा है। व्यापारी यहां मसाले का व्यापार करने आते थे, केरल को मसालों का नगर बोलते हैं। इन्हीं व्यापारियों के कारण केरल में लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म आ चुका था। आज केरल में देखिए तो आपको अधिकतर पॉपुलेशन ईसाई धर्म की मिलती है। जब 2000 साल पहले केरल में भी ईसाई धर्म आ चुका था, सोचिए आप। ठीक है, वास्को डिगामा के बारे में बात करते हैं आप तो कालीकट बंदरगाह पर ही आया था। ठीक है, भारत के एक नए रास्ते की खोज करते हुए पहले भी जो व्यापार चलते थे वो सारी चीजें धीरे धीरे यहीं से चलती थी। तो केरल में 2000 साल पहले ईसाई धर्म आ चुका था। ठीक है, और लद्दाख की हमने बात की तो वहां पर बहुत साल पहले ही मुस्लिम धर्म आ चुका था। आज लद्दाख में आपको बौद्ध भी खूब मिलेंगे, मुस्लिम धर्म वाले भी खूब मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अरब के व्यापारियों के कारण यहां इस्लाम धर्म भी आया केरल में। केरल में इस्लाम धर्म के भी लोग मिलेंगे और आपको जो है ईसाई धर्म के भी लोग मिलेंगे। ईसाई यहां पर व्यापार के लिए आते रहे तो धीरे धीरे कुछ यहां रहने लगे, उन्होंने यहां ठीक है अपने परिवार को लाना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये दोनों जो आपको अंतर मिल रहा है, ये दोनों अंतर आपको देखिए बहुत व्यापक तरीके से मिल रहा है। एक क्षेत्र हमने सबसे पहला उठाया, एक निचला, एक ऊपरी और एक निचला, समझिए यहां बात। कोई यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग ढूंढने वाला पहला व्यक्ति एक पुर्तगाली था जिसका नाम वास्को डिगामा था। उसका जहाज केरल में ही आया था। उसके बाद भारत में यूरोपीय संस्कृति आ गई। जब वो आया यूरोप से तो भारत में यूरोपीय संस्कृति का आगमन होता है। केरल में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते, जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध। केरल के तटीय इलाकों में जो मछली का जाल इस्तेमाल होता वह चीन के जाल जैसा दिखता है। अब यहां पर समझना, चीन का नाम अंग्रेजी में चाइना है ना, ठीक है, चाइना है। अब इसको हम चाइना ना बोल के चीन बोलते हैं, चीन बोलते हैं। आखिर चीन का नाम चीन क्यों पड़ा, इस बात को समझिए। ये ज्योग्राफी में है, यहां से आपका यूपीएससी एक बार सवाल भी पूछा है, तो इसी को समझते हैं। केरल में जो लोग मछली पकड़ने का जाल यूज करते हैं वह जाल हूबहू चीन के जाल जैसा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि चीन वाले भी मतलब यहां पर आ चुके थे, केरल वाले उस जाल का इस्तेमाल कैसे करना सीखे, मतलब वहां पर चीन वाले आए तभी तो आया। तो इसे केरल में चीना वाला बोलते हैं, इसको चीन वाला या चीना वाला बोलते हैं केरल में। वो जो जाल होता है उसको चीना वाला या चीन वाला बोलते हैं। ठीक है, तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक बर्तन है वहां पर केरल में लोग, ठीक है, इस जाल को तो चीन वाला बोलते हैं, इसको इतना ही रहने दीजिए। इस जाल को जो है चीन वाला बोलते हैं, इसको समझिएगा। ये जो जाल वहां पर लोग मछली पालन के लिए यूज करते हैं इसको चीन वाला बोलते हैं, ठीक है, चीन वाला। लेकिन वहां पर तलने के लिए एक बर्तन का इस्तेमाल होता है, किसी चीज को तलने के लिए, फ्राई करने के लिए, जैसे हम लोग फ्राई पैन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो बर्तन होता है इसको चीना चट्टी कहते हैं। इस बर्तन को क्या बोलते हैं, इस बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं। अब इससे क्या पता चलता कि भैया केरल और चीन के बीच में बहुत पुराना रिलेशन है। ये देखिए, केरल में जो मछली पालने जो है पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल होता, ये ऐसे जाल होता, ये जाल सेम हूबहू आपके चीन के जाल जैसा होता है। इसीलिए अब यहां पर यही तो पता चल रहा कि भैया चीन के लोग केरल में आपके बहुत पहले आए, तो केरल के लोग इस जाल का इस्तेमाल करना सीख गए। ठीक है, तो अब जब चीन आप यहां, इस बर्तन का नाम क्या है, इस बर्तन का नाम चीना चट्टी है। ठीक है, और जो वहां पर चीजें थी, जो जाल था, जाल को बोलते हैं चीना वाला।
ठीक है, या चीन वाला, जाल को चीना वाला या चीन वाला बोलते, तो चीन शब्द के पीछे उत्पन्न होने के पीछे क्या है, यही कारण है अपने यहां भारत में ऐसा माना जाता है कि हम चाइना को चीन क्यों बोलते, क्योंकि भैया चीन का हम प्रयोग बहुत पहले से कर रहे हैं, इसीलिए हम चाइना नहीं बोलते, क्योंकि यहां हमारे यहां जो बर्तन केरल में प्रयोग होते उन बर्तन को हम चीना चट्टी बोलते, जो जाल होते उसको चीन वाला बोलते, तो चीन वाला जब बोलते हैं तो मतलब क्या हो गया, ये वहीं से आया है, तो चाइना का नाम चीन इसी के आधार पर हम मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार भी मानते हैं कि इस वजह से चाइना का नाम चीन हो गया। अब हम बात करते हैं डायवर्सिटी इन इंडिया यानी भारत में विविधता की, इस बिंदु को समझिए, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, भारत में लगभग हर मुख्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि विश्व में जो बहुत सारे आठ धर्म प्रमुख हैं उनमें से आठों धर्म आपको कहां मिल जाएंगे, आठों धर्म आपको भारत में मिल जाते हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म को मानने वाले कई मायनों में से एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे रीति रिवाज, त्योहार, मान्यताएं, खान पान और पारंपरिक परिधान, ये सब कुछ उनका अलग होता है, जो जिस धर्म में होगा उस धर्म के अनुसार उनका पहनावा होगा, उनके रीति रिवाज होंगे, उनकी मान्यताएं होंगे, उनका खान पान होगा, ये सब कुछ किस पर निर्भर करता, ये सब कुछ धर्म पर निर्भर करता। इतनी अधिक विविधता के कारण हमारा देश सांस्कृतिक भिन्नताओं का धनी देश है, ठीक है, इतनी ज्यादा भिन्नताएं हमारे यहां पाई जाती हैं, इतनी ज्यादा विविधताएं हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, इसीलिए हमारे यहां कल्चर यहां तो भरे पड़े हैं, इतने ज्यादा हैं भारत में। संस्कृत अगर बात करें तो संस्कृत तो इतनी ज्यादा है कि आपको सोचना ही सोचना पड़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बिंदुओं को देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद विविधता में एकता, इस बात को समझिए, यूनिटी इन डायवर्सिटी ये टर्म आता है, इस पर यह से भी लिखने को आता है, यूनिटी इन डायवर्सिटी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अनेकता में एकता का इस्तेमाल किया था। नेहरू ने इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि विविधता ही हमारे देश की शक्ति साबित हुई है। कैसे, जब यहां पर अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज समझते थे भारत क्या है, क्योंकि उन्होंने एक रूल भी अपनाया था, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, बांटो और राज करो, तो लास्ट में क्या हुआ, कभी ये लोग विरोध किए, कभी वो लोग, 1857 का विद्रोह देखने को मिला जिसमें अंग्रेजों को मजबूर हो जाना पड़ा, उसके बाद लगातार विरोध चलते रहे, किसानों के, जमींदारों के, लोगों के, लगातार हर जगह विरोध होता रहा, तो अंत में अंग्रेजों को भागना पड़ गया, अंग्रेज सुकून से भारत में नहीं रह सकते थे, क्योंकि हमेशा भारत में वो समझते थे कि भारत धर्म के हिसाब से बटा है, लेकिन यहां पर हमारी एकता ने दिखा दिया कि भैया तुम यहां आए हो तो यहां पर काम नहीं चलेगा तुम्हारा, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी हमने अपने यहां अनेकता में एकता की वजह से उनको फेल कर दिया, हमने उस जो है डायवर्सिटी, उस पूरी उनकी जो चाल थी उस चाल को कैसे, इसी वजह से हमने फेल कर दिया। तो भारत में विविधता का मुकाबला अंग्रेज करके गए हैं और अंग्रेजों के दांत इस विविधता ने खट्टे कर दिए थे, ठीक है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसके लिए एक टर्म यूज किया है, यूनिटी इन डायवर्सिटी, अनेकता में एकता। लेकिन भारत के अधिकांश लोगों ने क्या किया, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को भुलाकर अंग्रेजों से लोहा लिया जब अंग्रेज यहां आ गए, ठीक है, अनेकता में एकता के कारण ही हम लोग अंग्रेजी राज को यहां से उखाड़ने में सफल हुए। आज भी हम कई संस्कृतियों का समावेश करते रहते हैं, हम दुनिया के भिन्न भिन्न व्यंजनों को अपना रहे हैं, ठीक है, हम कभी ये खाते हैं, हम कभी वो खाते हैं, हर एक चीजों को खाते हैं, ये सारी चीजें हमें कहां से आती हैं, ये सारे व्यंजन हमें दुनिया के अलग अलग देशों से मिलते हैं, इन्हीं सारी चीजों को समझते हैं, हम दुनिया के अलग अलग भागों की पोशाकों को अपना रहे हैं, विविधता के कारण ही भारत आज एक जिंदा दिल देश है, ठीक है, ये सारी चीजें किस वजह से उत्पन्न होती हैं, ये हमारी डायवर्सिटी की वजह से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद ये विविधता आपका जो बिंदु रहा, डायवर्सिटी रहा, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, सारे लोग ये फाउंडेशन बैच की आपकी डेमो की क्लास है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की, विविधता की वजह से जो भेदभाव उत्पन्न होता है, जिसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी में, फंडामेंटल राइट में, अपने प्रियम्बल में बहुत सारे उपबंध किए गए हैं, तो उस बिंदु को मैं अगले जो है लेक्चर में बताऊंगा, अगले लेक्चर में उन सारे परिप्रेक्ष्यों को एक अच्छे नजरिए से समझेंगे। आज की क्लास में बस डायवर्सिटी को मैंने उठाया था, डायवर्सिटी को कोरिलेट किया आपके हिस्ट्री से, आपकी ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, ठीक है, और अन्य जो आपके विविध जो देश रहे हैं उनका कैसे कैसे संबंध रहा, इन सारी बातों को समझाया, तो उम्मीद है आपको दोनों चीजों पर इस सारे व्याख्यान के अंतर्गत बहुत सारी चीजें अच्छे जो है समझने को मिली होगी। बहुत जितने भी लोग हैं जो 2021 को लेकर के केंद्रित हैं वो सारे लोग फाउंडेशन बैच में एडमिशन लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने शेयर भी करिए, हित मित्रों को,
कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी चीजों को समझते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं, जैसी चीजें आपको होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।